जी हाँ बिल्कुल, कराची के अंदर आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें एक फैमिली थी यूसुफ़ की, जो कि ट्रांसपोर्टर थे, महमूदाबाद के रिहायशी थे। हर साल की तरह इस बार भी ये पिकनिक मनाने निकले थे। 20 अफराद बताए गए हैं जो कि निकले थे और केंजर झील और उस तरफ मज़ार है उस तरफ जाने की कोशिश करते, कश्ती में कश्ती उलट गई। उलटने के बाद 9 खवातीन और एक कमसिन बच्ची जो है इसमें जाँ बहक हो गए हैं, डूब गए हैं। बाकियों की जो लाशें हैं बताई जा रही हैं कि और भी हैं, उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तहम अब कुछ लोग जो हैं वो बच गए हैं, अभी लाशें के मुंतजर है। एक घर में कोहराम जो है इस वक्त मचा हुआ है। एक ख़ानदान के अंदर 9 जो अम्बात हैं, मैतें हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। लोग काफ़ी गमजदा में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं दरख्वास्त सिर्फ यही करूँगा कि वो इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है कि पानी में कौन सी ये मटेरियल की कश्तियाँ होती हैं जिनको ये लेकर जाया जाता है, कौन लोग हैं जिसके ऊपर ये कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों हिकमत अमली ऐसी नहीं बनाई जाती, क्यों सेफ्टी लाइफ की ऐसी जैकेट्स और ऐसे इक्विपमेंट्स क्यों नहीं फराहम किए जाते, ये ज़िम्मेदारी सरकार की है। आए रोज़ हम देखते हैं कि साहली सतह पर, समंदर पर आने वाले दुनिया भर में लुक जाते हैं, मगर इस तरह का तरीक़ेकार कहीं पर भी नहीं होता। इसके ऊपर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया, इसके हवाले से DC चट्टा को बोल दिया गया कि हिदायत जारी की जाएँ, जाए वक्त का दौरा करें, चीज़ों करें, मगर जो असल मसाइल हैं उनका हल नहीं निकाला गया। वो कब निकाले जाएंगे मसाइल? दुनिया में समंदरों पे लोग जाते हैं और इस तरह के मामला होते हैं, मगर एहतियाती तदाबीर अपनाई जाती हैं। वो कौन लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है, ये सवाल है जो मैं आप तमाम लोगों पर छोड़ के जा रहा हूँ। और दरख्वास्त करूँगा कि जो अमवात हुई हैं इसका ज़िम्मेदारी कोई ना कोई किसी पर आई ज़रूर होती है। उन लोगों को उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि आपकी ज़िम्मेदारी थी यहाँ पर जो लोग रुख करते हैं समंदरी हरकतों की, कश्तियाँ कैसे ऐसी नायल कश्तियाँ जिनके अंदर इतनी कुव्वत नहीं उलट जाती हैं, ये एक वाकया नहीं, इससे कबल भी वाकयात हो चुके हैं। तो इन तमाम पर गौर करने की ज़रूरत है। देखना चाहिए कि इस वक्त इस फैमिली में खुराम मचा हुआ है। चनेसर गोट में जो है वो लाशें आनी है, यहाँ महमूदाबाद में इधर लाशें आनी है, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बीवी होगी, एक तकलीफ दे एक ही वक्त में, एक ही चंद मिनटों में जो है पूरा ख़ानदान जो है उजड़ चुका है इस वक्त इनका। तो खुदा के वास्ते तमाम वो लोग जिनकी ज़िम्मेदारी है वो इस चीज़ को देखें, इस चीज़ का हल निकालें। लाइफ सेफ्टी के हवाले से जो इक्विपमेंट किए गए हैं, पैरामीटर्स किए गए हैं, उनको अपनाएँ, वो पाबंद करें लोगों को भी कि वो इस तरह का सिलसिला रखें जिससे जो कीमती जाने हैं वो जाया ना हो, और ऐसी तमाम कश्तियों पर पाबंदी लगाएं जिस पे जो कि लगता है कि वो ख़तरा का सबब बन सकती हैं, ताकि कीमती जाने जो इस वक्त ज़ाया हो रही हैं वो बच सकें और लोगों के जो इस वक्त कर्ब में मुब्तला है पूरा ख़ानदान, बात करने के काबिल नहीं है और शदीद मुश्किल में है इस वक्त। यकी तौर पर एक ही ख़ानदान के जब 10 अफराद, इसमें तमाम के तमाम ख़वातीन हैं, 9 लाशें जो आई हैं उन ख़वातीन की है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कोई अल्लाह ना करे हमारे आपके घर से ऐसा वाकया हो जाए तो क्या कंडीशन होती है, क्या तकलीफ दे मराइल होते हैं। तो इसका अंदाज़ा लगाएं खुदा के वास्ते, और फिर कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते जिनकी ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएँ। ऐसी कश्तियों पर आवाम को जाने की इजाज़त ना हो, ऐसी कश्तियाँ ना हो, ऐसे लोगों को रोका जाए, ताकि ये हॉरिबल कंडीशन है इस वक्त। ठट्टा में डूबी, फिर वहाँ पे लाशें आई और अब इधर जो है वो लाशें आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और एक हॉरिबल कंडीशन है इस वक्त, बहुत ज़्यादा तकलीफ है।